अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाची न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रणव तिवारी, हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। एक प्रकरण सामने आता है SC ST को लेके, अनुसूचित जो जनजाति उसके जाति प्रमाण पत्र का न बनने का मामला। लगातार प्रभासाची न्यूज नेटवर्क की टीम ने समाजवादी पार्टी से संबंधित जो भी अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, जो नेता हैं, उनके पास जाके उनके कष्टों को समझने का कोशिश किया। आखिरकार क्यों नहीं जाति प्रमाण पत्र बन पा रहा है, यही मेन मुद्दा है और उसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ आज खास बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में अनुसूचित जनजाति के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, व्यास जी गौर जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर आपका। आपको चैनल के भी स्वागत मेरे तरफ से और बधाई जी। बहुत अच्छा मुद्दा आप उठाए, यह मुद्दा SC ST का मुद्दा बहुत जटिल मुद्दा है। जब उत्तर प्रदेश में सपा का सरकार था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार कोई ऐसा जिला नहीं था जिस जिले में प्रमाण पत्र ना बने, बलिया में, गोरखपुर, मैंने तमाम जगह बनता था। यही जोगी जी कहे हमसे तो जब मेरा सरकार आएगा, ये सभी लोग से कहते थे जी। तो भाई मेरा सरकार आ जाएगा तो प्रमाण पत्र बनने लगेगा, कोई परेशानी नहीं होगा। अभी फिलहाल जब इनसे बात हम किए तो आपके सरकार आ गया है, आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप तो प्रदेश के राजा हैं, आपके इशारा पर प्रमाण पत्र बनने लगेगा और जगह बने ना बने गोरखपुर प्रमाण पत्र बनाना चाहिए। वो कहे तो ब्याह जी हमारे के कोई गुण ही नहीं है। तो अब बताइए, जो देश के बड़ा प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, इस तरह कह देगा तो यहाँ गुण ही नहीं है, अवगुण उनके साथ रहते हैं। अभी एक गुण के SC ST के प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं जी। अभी रामधनी के प्रदेश अध्यक्ष के हटाए हैं। अभी एक वकील है यहाँ, दुर्गा प्रसाद वकील, उनका भाई पिंटू उनके साथ ही रहता है जी। जिला परिषद में कुछ मेम्बर उम्र है क्या जी। तो ऐसे देश के, इतना बड़ा प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे बोलेंगे तो इन पर हम क्या उम्मीद रखें। जब हमारा सरकार था, पत्रकार साहब बता दें, तो हर जिला में प्रमाण पत्र बनता था और कम से कम 2000 हम नौकरी दिए। जब भी कागज लेके जाते थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूछते थे, मुख्यमंत्री थे वो, क्या ब्यास जी कोई कागज लेके आए हैं क्या? तो हम कहते हैं 2208 केवल पुलिस में नौकरी दिए हम, 700 कुछ शिक्षा विभाग में दिए, लेखपाल दिए 945, 1008 अन्य विभागों में नौकरी दिए हम। ये सरकार हमारी उपलब्धि है। यही नहीं हुआ, मायावती सरकार बंद कर दी थी, चुनाव नहीं लड़ेंगे हम लोग, अखिलेश जी ने आदेश किए तो ना ही चुनाव SC ST लड़ेगा। हम लड़े, जीते, ब्लॉक प्रमुख हुए, कई पद पर रहे। तो यह सरकार धोखाबाज सरकार है, SC ST विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, नौजवान नौकरी मांग रहा है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, नौजवान विरोधी सरकार है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं 2022 को, जब 22 आ जाएगा तो सभी लोग जवाब देंगे सरकार को। बिल्कुल सर, अभी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव भी गुजरा है, स्थिति सबके सामने थी, किस तरीके से समाजवादी पार्टी का कहना था कि हर बूथ को कैप्चर करके जो है अपने कैंडिडेट को जिता दिया गया है। आगामी विधानसभा भी बहुत करीब है, 2022 का चुनाव, समाजवादी पार्टी किस परिप्रेक्ष्य में देखती है आगामी चुनाव को? देखिए, जब जनता को वोट देने का मौका मिला तो सबसे ज़्यादा हम मेंबर जीते हैं, जिला परिषद मेंबर हमारे लोग जीते थे, प्रधान हम जीते, BDC हम सबसे ज़्यादा जीते, भाजपा का कहीं जवाब नहीं था। मगर यहाँ के नहीं, पूरे प्रदेश के चुनाव पार्टी नहीं लड़ी, अधिकारी लड़े, DM SP एजेंट बन गए, गुंडई के साथ हमारे देखे, एक वहाँ के हरदोई के औरत के देखे आप लोग, कपड़ा तक तो खोल दिया गया, इतना लंगा नाच तो हम नहीं देखे। तो राजनीति में हम 80 से राजनीति में 40 साल हो गया, इतना अत्याचार, एक एक औरतों के कपड़ा खोल दिया गया, बेइज्जत कर दिया गया, कोई थोड़ा सा टेट हुआ उसको जेल में डाल दिया गया, चुनाव तो लूट लिए। ऐसा नहीं होगा, 2022 आम जनता का चुनाव देना है, गिनती का चुनाव दो विधानसभा नहीं होता है, वो गिनती के चुनाव था। इसमें हम अधिकारी हरा दिए, हमको पार्टी के लोग हरा दिए, मगर 2022 में हम चुनाव जीतेंगे, आप 300 से अधिक सीट पर जीतेंगे, आप फुल बहुमत की सरकार बनाएंगे। साइकिल यात्रा से आरंभ हो चुका है विधानसभा 2022 का, विगत दिनों देखा गया पूरे उत्तर प्रदेश में
जो भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर सबके सामने एक अपना प्रदर्शन कर दिए हैं। कितनी मजबूत स्थिति में है समाजवादी पार्टी मौजूदा स्थिति में कि 300 का जो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, किस मुद्दों पर पुनः आएगी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी? जो हम विकास किए थे वो विकास पर हम आएंगे, सरकार बनाएंगे। जो हम दलित के फायदा दिए थे, दलित के नौकरी दिए, दलित के आवास दिए, दलित के आम जनता के साथ साथ दलित के भी हम देखे, हम दलित की उपेक्षा नहीं किए, मगर यह सरकार दलित की उपेक्षा कर रही है। इसी पर हम चुनाव जीतेंगे, विकास के नाम पर जीतेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पर चुनाव जीतेंगे। हमारा नेता इतना ईमानदार है, जो कहते हैं वो करते हैं, उनके बात पर चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, हमसे तमाम विषयों पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद। हमारे साथ थे पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और अनुसूचित जनजाति प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यास जी गौड़। और जो एक मुद्दा था, मैंने शुरुआत में भी कहा था, SC ST का जो जाति प्रमाण पत्र है उसके न बनने का मुद्दा, क्यों अवहेलना की जा रही है और क्यों सौतेला व्यवहार गोरखपुर के लोगों के साथ किया जा रहा है, ये तो प्रश्न बना ही रहेगा जब तक उस पर कार्रवाई न हो जाए। लेकिन जहां तक राजनीति की बात है, आगामी विधानसभा 2022 निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के रूप में आएगा और 300 से ज्यादा की सीटें आएगा, जैसा कि मंत्री जी का कहना था। ऐसे तमाम मुद्दों को आपके बीच में लाते रहेंगे और तमाम ऐसे जन नेताओं को जो हमारे नेता है हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, उनकी बातों को आपको लाके सरोकार कराने का कोशिश करेगा प्रभासाची न्यूज नेटवर्क। गोरखपुर से प्रगति वाली प्रभासाची न्यूज नेटवर्क।